आपने मुझे शुरुआत में नमस्ते कहा, नमस्ते। नमस्ते के क्या मानिए भाई साहब, आप बोल सकते? नहीं पता क्या मानिए? माइक्रोफोन ऑन कीजिए जरा भाई साहब का। नमस्ते मतलब मैं सर झुका के मैं आपको नमन करता हूँ। हाँ, सर झुका के आप मुझे नमन करता हूँ। नमन करता हूँ, सर झुका के। सर झुका के मुझे नमन करना शिर्क है, हराम है, प्रोहिबिटेड है। आप मेरे सामने भी सर नहीं झुका सकते, चाहे आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, चाहे आप मेरी इज्जत करते हैं, फिर भी आप मेरे सामने सर नहीं झुका सकते। सर झुकाना चाहिए तो सिर्फ खुदा के सामने, अल्लाह के सामने, और मैं खुदा नहीं हूँ। आप जानते हैं, आप मेरी इज्जत कर सकते हैं, मेरी बात जो मैं कहता हूँ उसके ऊपर अमल कर सकते हैं, लेकिन आप मेरे सामने सर नहीं झुका सकते। इसीलिए मैं जवाब में आपको कहूँगा अस्सलामु अलैकुम, आप पे सलामती हो, आप पे सलामती हो। आप समझे ना, मैं आपके सामने झुक नहीं सकता हूँ। ये सिर झुकेगा तो सिर्फ अल्लाह के सामने, सिर्फ खुदा के सामने। तो आपने बड़प्पन में मुझे कहा, लेकिन अगर गलत चीज़ कहा तो मैं वापस से जवाब नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ जो लोग नहीं जानते वो ऐसे हरकत कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक महीना पहले मैं जब बॉम्बे एयरपोर्ट पे था तो एक औरत, हिंदू खातून, मुझे पूछी कि आप डॉक्टर जाकिर नाइक है? आई यू डॉक्टर जाकिर नाइक? मैंने कहा जी। ओ, मैं आपका रोज प्रोग्राम देखती हूँ, मैं दुबई से 25 साल के बाद बम्बई में आ रही हूँ, 25 साल के बाद हिंदुस्तान में आ रही हूँ। उसकी सिर पे टीका था, हिंदू औरत थी, बोलती मैं आपके प्रोग्राम देखती हूँ, और बहुत अल्हम्दुलिल्लाह तारीफ़ करने लगी। सारी तारीफ अल्लाह की है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। और फिर कहने लगी कि मैं तुम्हारे पैर छूना चाहती हूँ। मैंने कहा कि ये गलत है, शिर्क है। तो बोले क्यों? वही जवाब मैंने दिया, आप जो भी कहो मैं आपकी बात मानूंगी। तो मैंने कहा आप कुरान मजीद पढ़िए, कुरान मजीद पढ़िए और इसके ऊपर अमल कीजिए। और मैंने तकरीर की है, सिमिलैरिटीज बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज्म, इस्लाम और हिंदुइज्म में यकसानियत, और साबित किया है कि हिंदुइज्म में भी लिखा है कि आप सिर्फ एक ईश्वर की इबादत करना चाहिए, जितने ऋषि आने वाले उनमें मानना चाहिए, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी। तो आपको अगर कुरान और वेदा पे अमल करना चाहिए जो यक्सा है, आपको एक खुदा में मानना पड़ेगा और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर।